चिनेन्द्र फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम जैन और स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल PSJ क्रिएशंस में। तो आज हम बनाएंगे होली स्पेशल कलरफुल मलई रोल, या आप इसे क्रीम रोल भी कह सकते हो। इससे बनाना बहुत ही आसान है, ये 5 से 10 मिनट में बन जाती है और खाने में तो माउथ वाटर डेजर्ट है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं कुछ टिप्स के साथ। तो इसे बनाने के लिए हम एक पतीले में 1.5 कप दूध गर्म करने के लिए रख देंगे, साथ ही साथ उसमें 2 चम्मच चीनी डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हो, इससे थोड़ा दूध थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छी आएगी। चीनी की मात्रा आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब चीनी घुलने तक हम इसे चला लेंगे। दूध को बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे चिपकेगा नहीं। अब दूध में उबाल आने लगा है तो हम गैस की आंच थोड़ी धीमी कर लेंगे और दूध में इलायची पाउडर और केसर वाला दूध जो मैंने पहले ही बना कर रखा था वो हम डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे दूध का फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। अब और 5 मिनट तक दूध को मीडियम आंच पे उबलने देंगे ताकि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप फ्लेवर वाला दूध नहीं बनाना चाहते तो इसकी जगह पे आप सिंपल प्लेन वाला दूध लेकर उसमें चीनी मिलाकर भी ले सकते हो। अब 5 मिनट हो गए हैं, दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो गया है तो हम अब गैस की फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। अब यहाँ मैंने दूध को एक अलग बर्तन में निकाल लिया है, अब इसे हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। जब तक हमारा दूध ठंडा होता है तब तक हम क्रीम बना लेंगे। यहाँ मैंने व्हिप क्रीम ली है, 1.5 कप व्हिप क्रीम ली है, उसी में हम 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डाल देंगे और 1 टीस्पून वैनिला एसेंस भी डाल देंगे। अब हम इसे विस्क या बीटर की सहायता से बीट कर लेंगे स्टिक पिक्स आने तक। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हो। जब तक मैं इसे बीट करती हूँ तब तक अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब यहाँ हमारी क्रीम अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। मैंने इस क्रीम को आधा आधा करके 2 बाउल में निकाल लिया है। अब मैं 1 बाउल में पिंक कलर और 1 बाउल में ग्रीन कलर डाल दूँगी क्योंकि मुझे यहाँ कलरफुल क्रीम रोल्स बनाने हैं, इसलिए मैं इसमें कलर डाल रही हूँ। अगर आपको वाइट चाहिए तो आप इसे ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हो। अब इन दोनों कलर्स को हम क्रीम में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे थोड़ा हेल्दी और यम्मी बनाने के लिए मैं इसमें बारीक कटी स्ट्रॉबेरीज डाल रही हूँ। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें स्ट्रॉबेरी नहीं भी डाल सकते हो। अब हम ग्रीन कलर को मिक्स कर लेंगे और ग्रीन कलर में थोड़ा सा क्रंचीनेस और थोड़ा हेल्दी होने के लिए मैं इसके अंदर बारीक कटे हुए बादाम और बारीक कटे हुए पिस्ता डाल रही हूँ। अब इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ हमारी दोनों क्रीम रेडी हो चुकी है, दूध भी ठंडा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं मेन स्टेप की ओर, लास्ट स्टेप है। तो अब इसके लिए मैंने यहाँ पर 6 से 8 ब्रेड स्लाइस लिए हैं। अब उसके किनारों को हम कट कर लेंगे। इन किनारों को आप सुखाकर इसके ब्रेड क्रम्स बना सकते हो। ब्रेड की एक स्लाइस ले लेंगे और उसे दूध में डिप कर लेंगे। दूध में हमें इसे हल्का सा भिगोना है, बस इस तरह से। बहुत ज़्यादा देर तक हमें इसे दूध में नहीं रखना है, नहीं तो ब्रेड गल जाएगा। अब हम इसे हल्के से प्रेस करेंगे ब्रेड को और जो एक्स्ट्रा दूध है उसमें वो सारा निकाल लेंगे।
बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल हल्के से हमें इसे प्रेस करना है। अब हम इस पे क्रीम लगा लेंगे, बिल्कुल पूरी तरह से इस पर हमें क्रीम की लेयर लगा लेनी है अच्छी तरह से, ताकि खाने में भी मज़ा आए। और फिर इसे हम रोल कर लेंगे, इस तरह से हमें इसे रोल कर लेना है। और ये हो गया हमारा एक क्रीम रोल, स्ट्रॉबेरी क्रीम रोल रेडी। अब हम एक और ब्रेड बना लेंगे। अब हम दूसरा ब्रेड लेंगे और उसे भी दूध में डिप कर लेंगे और हल्के से प्रेस करके एक्स्ट्रा जो दूध है उसके अंदर वो निकाल लेंगे। अब हम इस पे पिस्ता वाला जो क्रीम है ग्रीन कलर का, वो हम पूरी तरह से ब्रेड पे लगा लेंगे। क्रीम को अच्छी तरह से ब्रेड पे लगा लेना है। अब इसे भी हम रोल कर लेंगे और इसे डायरेक्ट से हमें सर्विंग ट्रे में ही रखना है। अगर आप दोबारा इसे उठाने चाहोगे तो मे बी ये ब्रेक हो सकता है, तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट सर्विंग ट्रे में ही रखेंगे। अब इसी तरह से सारे ब्रेड के हम रोल्स बना लेंगे। अब यहाँ मेरे सारे रोल बन चुके हैं, अब मैं इसे डेकोरेट कर लूँगी। डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पे पिस्ताचू पाउडर डाला है और स्ट्रॉबेरी के स्लाइस रखे हैं, और स्ट्रॉबेरी के स्लाइस पे मैं पिस्ताचू को कट करके रख रही हूँ। है ना कितनी मज़ेदार रेसिपी और झटपट बनने वाली। तो चलिए आप भी इसे फटाफट बनाइए, खाइए। और आपको ये रेसिपी कैसे लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, बाय, हैप्पी होली टू ऑल।